उत्तर प्रदेशातील जनता भाजपाला मत देणार नाही, मतदान जिवंत लोक करत असतात, आता काय गंगेतले मृतदेह येऊन मतदान करणार का, असा सवाल संजय राऊतांनी उपस्थित केला. उत्तर प्रदेशमध्ये अराजक माजलेला आहे, गंगेत मृतदेह सापडतात तरीही आपणच निवडून येऊ हा भाजपचा भ्रम आहे. मतदान जिवंत लोक करत असतात, आता काय गंगेतले मृतदेह येऊन मतदान करणार काय, असा सवाल शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी उपस्थित केला. अहंकार सर्वांनाच बुडवतो, आम्हीही निवडणूक लढवणार आहोत, गैरभाजपानं ही निवडणूक एकत्र लढवावी असंही ते म्हणाले. यावेळी नरेंद्र मोदींवरही त्यांनी टीका केली आहे. देखिए, यूपी की जो टक्कर और चक्कर है राजनीति की, वो बहुत महत्वपूर्ण है. योगी जी चाहे गोरखपुर से लड़े, चाहे अयोध्या से लड़े, उनकी मर्जी है. कहाँ से भी लड़े, पूरा उत्तर प्रदेश उनका है. देश से लड़े, मैं उसका ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, वो उनका अधिकार है कहाँ से लड़ना है. लेकिन जो बात फिर एक बार 300 सीट की होती है, वो आश्चर्यकारक है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अनरेस्ट है, अराजकता है, लोग सवाल पूछने लगे हैं, जिस तरह से गंगा में लाशें बहते हुए लोगों ने देखा है पूरे विश्व में, उसके बावजूद भी उनको लगता है कि 300 सीटें आएगी तो क्या जाए गंगा में जो लाशें बहती थी वो आकर उनको होट करने वाले हैं क्या? जिंदा लोग तो उनको होट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए. अखिलेश ने भी अपना पूरा ध्यान चुनाव पे देना चाहिए, पूरा ध्यान, और सबको साथ लेकर लड़ाई लड़नी चाहिए. अहंकार सबको डुबाता है, ये हमारे सामने उदाहरण है. और लोग बहुत बड़ी अपेक्षा से अखिलेश की तरफ देख रहे हैं. हम भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन परिवर्तन की ताकत जो है वो कांग्रेस, अखिलेश और जो भी गैर भाजपा जो पार्टी है उनको मिलकर ही लड़ना होगा. सर, या प्रकारे दलितांसोबत बसून. ब्यूरो रिपोर्ट, SBN मराठी.